फोटो बड़ा यार, फोटो बड़ा यार। इस आवाज को पहचानते हैं आप? फोटो बड़ा यार। ये आवाज किसकी है? फोटो बड़ा यार। उसका चेहरा आप पहले देख लीजिए और फिर डबल धमाल के डायरेक्टर इंद्र कुमार की ये शिकायत भी सुन लीजिए। अरे नहीं नहीं, इतना सीरियस होने वाली कोई बात नहीं है। पहले इंद्र कुमार की पूरी बात तो सुन लीजिए। Here's a photograph of mine sitting with Mallika. He always blackmails me. He was in that process when the photo was taken. संजू बाबा ने इंद्र कुमार को इसीलिए एक फोटो की दुहाई दी क्योंकि इंद्र कुमार ने डबल धमाल की जलेबी बाई यानी मल्लिका शेरावत को उनके बिकनी एक्ट के लिए दे दिए 10 में से 9 नंबर। नहीं। और संजय दत्त के पास मल्लिका शेरावत की बिकनी के लिए हैं सिर्फ 7 नंबर। You've seen so many women donning bikini. I think Mallika does it again here. So would you give her like a 10 on 10 for that? Yeah, about 7. Okay, very good. What about you? 9. 7. देखा कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं संजू बाबा। चाहे कोई भी मल्लिका के बिकनी एक्ट में फंस जाए लेकिन संजू बाबा हमेशा करते हैं न्याय, इसीलिए सलमान भी उन्हें मानते हैं बॉलीवुड के बाबा। इंडस्ट्री बाबा है संजू बाबा। और संजू बाबा ने भी अब खुद को बाबा मानना शुरू कर दिया है। और इसकी वजह यह है कि संजय दत्त ने डबल धमाल में दो दो हॉट हसीनाओं को हैंडल किया है। लेकिन संजय दत्त के लिए यह बड़ा ही आसान काम था क्योंकि संजू बाबा ने इस पूरे इंटरव्यू में सबसे बड़ा खुलासा यही किया है कि उन्होंने तो इससे भी ज्यादा हॉट हसीनाओं को हैंडल किया है। You're a very lucky man. Your wife is as sexy as Mallika Sharawat in this movie and your secretary as sexy as Kangana. So was it too hot to handle? Yeah, but handles more heat than that, you know. अब संजय ने ये बात अपनी हॉट हॉट वाइफ मान्यता के लिए कही या फिर वो कुछ और कहना चाहते थे ये तो नहीं पता, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू में संजू बाबा ने ये जरूर बताया कि डबल धमाल की शूटिंग में उन्होंने बहुत धमाल किया और अब तो इसे ट्रिपल धमाल बनाने के लिए भी तैयार है। तो पहले मजा लीजिए संजय दत्त की डबल धमाल का और आगे आपको बताते रहेंगे संजू का ट्रिपल धमाल।